Okay, student, now move to table number second. अब see, table number one में हमने देखा था individual. अब कहां से कहां तक था? 60 years, up to 60 years of age group. जिसकी age 60 years तक आती है, उनका हमने देखा था how to compute income tax. See, 2,50,000 तक no tax. 2,50,000, 1 to 5 lakh, yes. कितना होगा? टैक्सेबल अमाउंट में से 2,50,000 माइनस कर देंगे, कि जो भी अमाउंट आएगा उसका 2%, सॉरी उसका 5%. नाउ द थर्ड स्लैब इज 5,01,000 टू हाउ मच? 10 लाख, अप टू 10 लाख. तो वहां पे क्या होगा? सी, हमने देखा था कि 5 लाख तक का कैलकुलेट किया था, 2,50,000 के लिए कुछ नहीं था, और 2,50,000 का 5% होता है 12,500. तो 12,500 प्लस जो अमाउंट वापस 5 लाख तक का 12,500. सी स्टूडेंट, 5 लाख तक का टैक्स कितना होता है? 12,500, और ऊपर जितना भी होगा उसका प्लस 20%. एंड सी सेस, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस, वो होता है इनकम टैक्स पे, जो इनकम टैक्स आता है उसका 2% एजुकेशन सेस एंड हायर सेकेंडरी सेस 1%. ओके, वो टैक्स पे रहेगा. नाउ अगर मोर देन 10 लाख है स्टूडेंट, तो मिनिमम 10 लाख तक के लिए कितना होगा? 12,500 5 लाख के लिए है, और रिमेनिंग 5 लाख के लिए होता है उसका 20%, दैट मीन्स 1 लाख. तो टोटल जिसका भी अगर एनुअल इनकम मोर देन 10 लाख है, तो मिनिमम 10 लाख तक के लिए कितना है इनकम टैक्स? 1,12,500 प्लस जो भी रहेगा, 10 लाख माइनस कर दो एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी रहेगी, सपोज 13 लाख है, तो ऊपर के 3 लाख पे उसको देना होगा 30% इनकम टैक्स, फ्री प्लस जो भी आएगा वो दोनों का ऐड करने का. ना अगर स्टूडेंट सपोज किसी की मंथली इनकम ईच केस की एज कुछ भी हो मोर देन 50 लाख टू अप टू 1 करोड़, 50 लाख से 1 करोड़ की अगर उसकी एनुअल इनकम है, तो उसको सर चार्जेस 10% एक्स्ट्रा देना होता है इनकम का, और अबव 1 करोड़ है तो 15% देना होता है. इज दैट क्लियर? ये सबके लिए. नाउ मूव टू सेकेंड टेबल, दैट इज ऑफ सी इंडिविजुअल. यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं सीनियर सिटीजन. यहाँ पे इंडिविजुअल की जगह पे हम क्या लिखेंगे? दे आर कॉल्ड हूज एज इज सी अप टू 60 तक का हमने कैलकुलेट किया है, तो एक्चुअली यहाँ पे एज 60 के ज्यादा थे, अबव 60 टू 80, अबव 60, 60 से ज्यादा टू 80, दे आर कॉल्ड एज सीनियर सिटीजन. सीनियर सिटीजन्स. ओके ना, तो स्टूडेंट नॉर्मल इंडिविजुअल को लिमिट कहां तक छूट है? 2,50,000 तक टैक्स नहीं है, बट सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख तक का लिमिट है. अप टू 3 लाख ऑफ इट्स एनुअल इनकम देयर इज नो टैक्स, उनको टैक्स नहीं लगेगा. थोड़ा 50,000 ज्यादा है, क्योंकि पता है ना सीनियर सिटीजन को थोड़ा मेडिकल वहां पे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा आता है, दैट्स फॉर गवर्नमेंट ने उनको 3 लाख तक छूट दिया है. सो फॉर सीनियर सिटीजन लिमिट कहां से है स्टार्ट होगी? अप टू 3 लाख नो टैक्स. सी इंडिविजुअल के लिए 2,50,000 है, और सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख. अप टू 3 लाख मिल नो टैक्स कोई भी, अगर टैक्स ही नहीं है तो एजुकेशनल सेस और हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? नाउ अब मोर देन 3 लाख, अगर 3 होता है और वो 5 तक ही जाएगा. सी फ्रॉम 3 लाख 1 to 5 लाख, कितना होगा? अगेन 5% देना होगा हमको, वहां का भी 5%, यहां भी. लेकिन किसका 5%? सी
3 लाख तो नहीं है तो जो भी उनकी अमाउंट रहेगी माइनस पहले 3 लाख करना होगा। मीन्स टैक्सेबल टैक्सेबल इनकम माइनस 3 लाख, आप ऐसे भी लिखो या वर्ड्स में भी लिख सकते, 3 लाख के एच 3 लाख। मतलब अगर किसी सीनियर सिटीजन की एनुअल इनकम 4 लाख है तो 4 लाख में से वो 3 लाख तो माइनस करे क्योंकि 3 लाख तक तो टैक्स नहीं है, तो बचा हुआ क्या है 1 लाख, तो उनको 1 लाख पे 5% इनकम टैक्स देना होगा। फिर जो टैक्स आएगा उसका उन्हें होगा अगेन सेम सेस एजुकेशन सेस 2% ऑन इनकम टैक्स स्टूडेंट। And 1% on income tax. See, ये government use करती है student for granting the government schools, for providing the books, है ना, जो free में education देती है यहाँ से वो fund use करती है। Now, then third slab होगा, see, up to 3 lakh, no, 3 से 5 lakh के लिए 3 lakh तो minus होगा, remaining amount पे 5% रहेगा। Now, from 5 to 10, 5 से ज्यादा रहेगा मीन्स 5 लाख 1 to 10 लाख कितना होगा स्टूडेंट, सी यहाँ पे 12,000 रहेगा 10,000 रहेगा क्योंकि यहाँ पे 50,000 का गैप हो गया ना, 3,000 तक 3 लाख तक कुछ नहीं है तो आप 5 में से 3 चला गया तो 2% का 2 लाख का 5% आता है 10,000, तो तुमको देना होगा 10,000, ये तो फिक्स रहेगा, प्लस वहां पे 20% था यहां भी 20%, 10,000 प्लस 20% टैक्सेबल इनकम किस पे माइनस हाउ मच 5 लाख, जो 5 लाख तक के लिए तो इतना है ही, 10,000 भरना ही भरना है, सीनियर सिटीजन को 5 लाख के लिए 10,000 पे करना है और नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कितना पे करना है 12,500 पे करना है, तो और फिर अगर फिर भी ज्यादा है तो जो भी रहेगी उस पे उनको देना होगा 20%, इज दैट क्लियर। यहाँ अगेन सेम, फिर जो भी टैक्स आएगा 2% सेस ऑन इनकम टैक्स, अगेन 1% सेस ऑन इनकम टैक्स सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी। नाउ द थर्ड लास्ट स्लैब फोर्थ स्लैब, यस मोर देन 10 लाख, मोर देन, एक बार आपको समझ में आ गया स्टूडेंट तो आप कर सकते हो मोर देन 10 लाख। सी स्टूडेंट मोर देन 10 लाख अप टू 5 लाख कितना देखे थे हमने, 5 लाख रहा तो 10,000 करना ही है और फिर प्लस 20%, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 1,10,000 क्योंकि बचा हुआ उसका 10% कितना आता है 5 लाख का 20% 1 लाख, तो अगर मोर देन 10 लाख है तो 1,10,000 तो पे करना ही करना है प्लस रिमेनिंग अमाउंट पे 30%, जैसे वही है परसेंटेज रेट में कमी नहीं है, सिर्फ लिमिट का थोड़ा यहाँ पे डिफरेंस है, वहां पे लिमिट सिर्फ 2,50,000 तक था यहाँ पे 3 लाख तक। ओके नाउ मींस कितना होगा बच्ची, मतलब टैक्सेबल कहाँ पे 30% होगा, टैक्सेबल इनकम इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम माइनस हाउ मच 10 लाख, 10 लाख का तो हमने निकाल दिया है, 10 लाख तक के लिए कितना है, सी 5 लाख तक के लिए 10 लाख 10,000 है और 10 लाख तक के लिए 1,10,000 देना ही देना है, प्लस अगर आपकी 13 लाख है तो रिमेनिंग 3 पे आपको 30% देना होगा एंड दीज आर सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है, 2% ऑन
इनकम टैक्स 1% ऑन इनकम टैक्स। तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है स्टूडेंट, टेबल नंबर 1 और 2 में। सी टेबल नंबर 1 में नॉर्मल इंडिविजुअल को लिमिट थी 2,50,000, यहाँ पे है 3 लाख। इसलिए यहाँ पे जो 5% का आएगा ना, मिनिमम 5 लाख के लिए कितना था इंडिविजुअल के लिए 12,500 और सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ 10,000। इज दैट क्लियर? नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल टेक वन मोर एग्जाम्पल। सी यूज द टेबल टी टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके एग्जाम्पल मिस्टर पंडित। नाउ वहां पे मिस्टर मेहता का था, यहाँ पे मिस्टर पंडित। मिस्टर पंडित इज 75 years। ही 75 years मीन्स इट इज ही इज ए सीनियर सिटीजन। ओके लास्ट ईयर हिज एनुअल इनकम वॉज 13,25,000 मीन्स अबाउट 10 लाख है। सी एनुअल इनकम कितनी है 13,25,000। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नाउ रुपीस हाउ मच इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है, हाउ मच टैक्स डस ही हैव टू पे। तो उन्हें अब टैक्सेबल इनकम कितनी मतलब कितने पर उनको टैक्स कितना देना पड़ेगा और फिर टोटल टैक्स कितना आएगा, मतलब वो सब सेस वगैरह यूज करने के बाद। तो सी यहाँ पे कैसे किया है, हमको तो पता है स्टूडेंट 10 लाख तक उनको कितना है, अबाउट 10 लाख है ना। 13 लाख मीन्स 10 लाख क्रॉस कर लिया, तो 10 लाख क्रॉस किया मतलब उनको मिनिमम कितना देना होगा 1,10,000, ये तो फिक्स है। प्लस 10 के ऊपर जो भी अमाउंट है उसका 30%। तो 10 के ऊपर कितनी अमाउंट है, तो इसमें थे पहले हम टैक्सेबल अमाउंट कैसी आएगी। सी ये जो उनकी एनुअल इनकम है उसमें से माइनस करेंगे, सी टैक्सेबल में से हम माइनस करेंगे 10 लाख है ना। अब और 10 लाख क्रॉस हुआ तो 10 लाख माइनस करेंगे, 5 लाख क्रॉस हुआ तो 5 लाख माइनस करेंगे, 0 और 0, 5, 2, 3,25,000 का कितना टैक्स देना होगा 30%। उसका 30% मतलब इसका 30%, 3,25,000 का 30% मीन 30/100, 2,0, 2,0 कैंसिल और मीन 0, 1, 2, 0 नौ 3, 3, 5 15 कैरी 1, 3, 2 6+1 7, 3, 3 9 मीन्स अगेन वो तो होगा 1,10,000 + 97,500 + 97,500। सी स्टूडेंट वहां पे उन्होंने तो वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, कितना आया 3%, 30% इतना आ गया 97,500। सो देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स अमाउंट टोटल कितना होगा, ये तो फिक्स है ना, 1,10,000 + 97,500 कितना होगा इसका एडिशन, 1,10,000 + 97,000 एडिशन 0, 0, 5, 7, 9 or 1, 10 मीन्स 2,07,500। टोटल अमाउंट कितना देना होगा टैक्स 2,07,500 इतना इनकम टैक्स देना होगा। बट ये तो सिर्फ इनकम टैक्स है, इस पे और लगेगा ना सेस 2% एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी उसका 1%। तो पहले इसका 2% निकालेंगे, 2% ऑफ व्हाट 2,07,500
की स्टूडेंट, उसका हमें 2% निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे 2%? मतलब 207500, 2% मीन्स 2/100। सिंपल, दिस 20 कैंसल, व्हाट इज रिमेनिंग? 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 + 1 15 कैरी 1, 2 0 0 1 का 1, 2 1 2 मीन्स 2150। अगेन 1% कितना आएगा इसी का, यही अमाउंट का, 2,07,500। 1% मीन्स 1/100, 0 0 कैंसल मीन्स 2,02,075। देन एडिशन करें तो कितना होगा, टोटल कितना होगा, सॉरी यहाँ पे 2 2 4 होगा ना। सी 2 5 10 कैरी 1, 2 7 14 + 1 15 कैरी 1, 2 0 0 1 का 1, 2 2 4। तो दिस ऑल 3 उनको टैक्स होगा, ये इनकम टैक्स, टोटल इनकम टैक्स। सी फिक्स तो रहेगा क्योंकि मोर देन 10 लाख है, तो फिक्स रहेगा 1,10,000। रिमेनिंग अमाउंट पे 30%, रिमेनिंग अमाउंट कितना है उनका, 3,25,000, उसका 30% मतलब 97,500। दोनों को मिलाएंगे तो टोटल इनकम टैक्स 2,07,500। लेकिन इस पे और क्या लगता है, सेस, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन सेस, 2%, 1%। तो वो निकालेंगे, 2% होता है 4,150, उसका 1% होगा 2,075। तो ये तीनों मिलाएंगे, दैट इज इट्स एक्चुअल इनकम टैक्स, वो उतना टोटल इनकम टैक्स होगा मिस्टर पंडित का। कितना होगा, इन तीनों को ऐड करेंगे, विच अमाउंट, मेन जो इनकम टैक्स है दैट इज हाउ मच, 2,07,500 प्लस 2% सेकेंड एजुकेशन दैट इज 4,150 और ये है 2,075। इन सबका एडिशन हाउ मच स्टूडेंट, 5 12 कैरी 1, 5 6 7 7 10 11 12 13 कैरी 1, 0 + 1 1 2 मीन्स 2,13,725। यस, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस 3 एडिशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कंप्यूट द इनकम टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, एज, पर्सन की एज क्या है, विच टेबल, फिर वो फॉलो करेंगे हम। ओके, वेरी सिंपल, सीनियर सिटीजन के लिए मिनिमम 3 लाख तक तो कुछ टैक्स नहीं है, फिर 5 लाख तक के लिए 3 लाख माइनस करेंगे जो भी रहेगा उसका 5%। तो 10 लाख के लिए मिनिमम देंगे 10,000 प्लस मतलब 5 लाख माइनस करेंगे उसका 20%। फॉर अबाउट 10 लाख, 10 लाख माइनस करेंगे जो रहेगा उसका रहेगा 30% और मिनिमम जो टैक्स देना ही देना है 1,10,000। इज दैट क्लियर, वो होगा इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के पर हम निकालेंगे सेस, एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी सेस, 2%, 1%। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ मूव टू टेबल नंबर 3। सी अगेन यहाँ पे भी सेम है, आपके यहाँ बॉक्स में टेबल के नीचे एंड में दिया हुआ है, सर चार्जेस इक्वल टू 10% ऑफ इनकम टैक्स पेएबल बाय इंडिविजुअल हैविंग एन एनुअल इनकम 50 लाख to 1 करोड़। तो अबस 10% उनका इनकम टैक्स का एक्स्ट्रा देना होगा उनको, एग्जैक्ट क्लियर, और मोर देन 1 करोड़ है तो 15% देना होगा। ओके, नाउ मूव टू टेबल नंबर 3।